नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषा कुमार चैनल में। मैं हूं शेषा कुमार। आज मैं लेकर आया हूं एलसीएम एवं एचसीएल पार्ट 7 में। इस चैप्टर में एलसीएम एवं संबंधित से बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो धज्जी और राजा कॉन्सेप्ट से तक एलसीएम एवं एचसीएल पार्ट 7 में, जैसे यदि रास्ते की लंबाई, नेक्स्ट पॉइंट, यदि रास्ते की लंबाई एवं चाल दिया हो तो, यदि रास्ते की लंबाई एवं चाल दिया हो तो पुनः उसी स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर, पुनः उसी स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर रास्ते की लंबाई बटे चाल का एचसीएल, नॉट एक ही दिशा में चलता हो तो, एक ही दिशा में चलता हो तो। एग्जाम्पल नंबर 1, एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 720 मीटर है जिसके किसी एक स्थान से ए बी तथा सी क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर का पर आवर एवं 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं तो वे चलने के कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे, पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो मिलने में लगा समय बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं, मिलने में लगा टाइम, रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई कितना दिया है बाबू, 720 मीटर और चाल का एचसीएल। तो चाल क्या क्या दिया हुआ जी, 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम 8, 12 और 18 किलोमीटर पर आवर का क्या ले लेंगे, एचसीएल ले लेते हैं। तो 720 और 8, 12, 18 का एचसीएल कितना होता है जीतू, अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5 बटे क्या करेंगे, क्योंकि मीटर में है इसको यूनिट समान करना है। तो 5 मीटर, 5 बटे 18 तो मीटर प्रति सेकंड से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 5 बटे 18 तो मीटर प्रति सेकंड से गुना कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो इसको किलोमीटर में लाने के लिए 18 बटे 5 से गुना, यानी कि 12 यूनिट है तो छोटा में लाने के लिए छोटा यूनिट से गुना, क्योंकि 5 छोटा है और 18 क्या है जी, बड़ा है, इसलिए ये 12 यूनिट से छोटा यूनिट में लाने के लिए छोटा यूनिट से गुना और छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में लाने के लिए बड़ा यूनिट से गुना, क्योंकि 18 बटे 5 ये क्या है, बड़ा है। उसी तरह से देखिए ये बड़ा है, बड़ा यूनिट है तो छोटा यूनिट में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 बटे 18 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब 720 ये नीचे है तो क्या हो जाएगा जी, ऊपर बटे 5 × 10, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 18 और 72 और 18 से गुना करेंगे, 18 और 72 से गुना करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा जी, 96। अब ये तो सेकंड आ गया जी, सेकंड में आ गया, अब सेकंड इसको मिनट में लाने के लिए 60 से क्या कर लेंगे, भाग देंगे तो 21 घंटा 6 सेकंड, यही आपका क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई विपरीत दिशा में चलता हो तो उसी स्थान पे मिलने में लगा समय बराबर रास्ते की लंबाई बटे रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल। एग्जांपल नंबर 1, एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 1 किलोमीटर है जिसके एक स्थान से ए बी एवं सी एक ही दिशा में क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एवं 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ता है जबकि सी उसके विपरीत दिशा में दौड़ता है तो बताइए तीनों कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो अब रास्ते की लंबाई कितना है जी, मिलने में लगा समय बराबर रास्ते की लंबाई 1 किलोमीटर है और उसका चाल रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष, यानी कि उसका चाल कितना है जी, 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये तो सेकंड में आ गया, उसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 × 60, तो 15 मिनट। 8 से प्रारंभ,
होने वाली तथा छह पर अंक होने वाली आठ अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का रहा, यानी कि आठ अंकों की बड़ी से बड़ी, लेकिन यह कह रहा आठ से शुरू होने के लिए, आठ से शुरू होने के लिए और छह पे अंत होने वाली। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो पांच नौ होगा, चार अंकों की सबसे बड़ी कहेगा तो चार होगा, है ना, और नौ अंकों की संख्या कहेगा तो नौ संख्या होगा, और छोटी संख्या कहेगा चार अंकों की तो क्या हो जाएगा एक हजार, पांच अंकों की कहेगा तो क्या हो जाएगा दस हजार। यानी कि छोटी में छोटी जीरो लगता है और बड़ी में बड़ी क्या होता है जी नाइन लगता है। तो अब कह रहा आठ से प्रारंभ होने वाली तथा छह पे अंत होने वाली आठ अंकों की संख्या, तो आठ से शुरू होगा और बड़ी से बड़ी, और क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात और छ पे अंत होने वाले, छ पे अंत कर दिए। फिर कह रहा है तथा आठ अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो आठ से शुरू होगा और छोटी से छोटी और छ पे अंत होने वाली छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, जीरो हो जाएगा नौ 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 नौ, आठ आठ तो कैंसिल हो जाएगा, यही आपका क्या होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं, क्योंकि आज ये चैप्टर आपका एलसीएम एवं एचसीएम समाप्त हो गया, यानी कि इसका पूरे पार्ट, यानी कि वन से लेकर आप पार्ट सेवन तक बना हुआ है ये पूरे चैप्टर, आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है, बेसिक से लेकर हायर लेवल तक बताया गया है। अगर अभी तक मेरे एलसीएम एचसीएम का पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को समझने के लिए शुरू से अंत तक देखें। और हम नेक्स्ट डे मिलते हैं आपका एलिगेशन, यानी कि एलिगेशन मिश्रण के नियम का, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो आज हम ये चैप्टर को एंड करते हैं, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ जाता है।